हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्लास ट्वेल्थ में हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें अभी तक हम लोगों ने तीन क्लास किया है। पहला क्लास कॉन्सेप्ट बिल्डिंग था, दूसरा क्लास हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के ऊपर प्रैक्टिस किए थे, थर्ड क्लास में कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कैसे बनता है वो सीखे थे, और उसपे जो क्वेश्चन थे बुक में उसका प्रैक्टिस किए थे। आज हम लोग का फोर्थ क्लास है, आज हम लोग का डे फोर है। आज कौन सा डे हो जाएगा? डे फोर। सर आज फोर्थ डे है और आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, जैसा टॉपिक देख रहे होंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जैसा कि हम लोग बात किए थे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में तीन स्टेप में बनाना पड़ता है, पहले ऑपरेटिंग, उसके बाद इन्वेस्टिंग और फाइनली फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी सीख लिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सीख लिए, और अब क्या सीखेंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कि कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कैसे बनाया जाता है। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब किसी बिजनेस को फाइनेंस कहां से मिलता है और उस फाइनेंस को लेने के लिए वो क्या खर्चा करता है, वही बात यहां पे कवर करता है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंस कहां से मिलता है? बोले सर वो बैंक से लोन। फाइनेंस का मतलब क्या? उधार, लॉन्ग टर्म का उधार। तो हम बोल रहे हैं सर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों तरह का उधार जो उसको मिलता है। तो बैंक से लोन ले सकता है, शेयर इशू करके पैसा मार्केट से ले सकता है, डिबेंचर इशू करके मार्केट से पैसा ले सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी ले सकता है। ये सारा तरीका है उधार लेने का। तो जब हम लोग बिजनेस उधार लेती है शेयर इशू करके, डिबेंचर इशू करके, या बैंक से लोन लेके, या बैंक ओवरड्राफ्ट से, तो जब हम उधार लेंगे तो मेरे पास पैसा आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि सर जब हम लोग उधार लेते हैं तो पैसा आता है, तो पैसा प्लस में लिखाएगा। और बाद में जब हम इन उधारों को चुकाते हैं, शेयर बेचे, पब्लिक से पैसा ले लिए, बाद में जाके हम शेयर का पेमेंट कर देंगे, पब्लिक का पैसा लौटा देंगे, तो क्या मेरे पास से पैसा चला जाएगा? जी हां। तो सर जब हम लोग शेयर बेचेंगे, शेयर देंगे, पैसा ले लेंगे, तो इंक्रीज इन शेयर, डिबेंचर, लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, जब ये इंक्रीज करता है तो मेरे पास पैसा आता है, और जब ये डिक्रीज करता है तो पैसा जाता है, क्योंकि शेयर, डिबेंचर, लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट ये सब क्या है? लाइबिलिटी। तो अगर ईयर वन से ईयर टू में ये बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर आप और ज्यादा उधार ले रहे हैं, तो पैसा प्लस में आपके पास लिखा जाएगा क्योंकि पैसा आया होगा, लाइबिलिटी बढ़ने से पैसा आता है। वही अगर ये लाइबिलिटी शेयर, डिबेंचर, लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट घटेगा, ईयर वन से ईयर टू में घटेगा, तो इसका मतलब हुआ कि हम लाइबिलिटी का पेमेंट कर दिए, तो फिर पैसा माइनस में लिखा जाएगा। बात समझते हैं? क्या जब हम लोग लोन लेते हैं या शेयर इशू करते हैं या डिबेंचर इशू करते हैं तो इनके लिए कुछ कॉस्ट लगता है? हाँ, डिबेंचर पे हम इंटरेस्ट भरते हैं, लोन पे हम इंटरेस्ट देते हैं, शेयर्स के ऊपर हम डिविडेंड देते हैं। तो जो भी फाइनेंस करने पे जो खर्चा होता है वो खर्चा भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कवर किया जाता है। इसका मतलब इंटरेस्ट पेड, इंटरिम डिविडेंड पेड, प्रपोज डिविडेंड ऑफ ईयर वन, अंडरराइटिंग कमीशन, ये सारा बात भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कवर किया जाएगा। तो इसी के लिए हम लोग क्या बनाएंगे? फॉर्मेट। आइए इसका भी फॉर्मेट देख लें। नाम लिखिए कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फॉर द ईयर एंडेड, जो डेट बताएगा वो डेट लिख देंगे। क्या क्या हम बोले? हम बोले सर इशू ऑफ शेयर या फिर डिबेंचर इंक्लूडिंग प्रीमियम और डिस्काउंट। क्या हम लोग शेयर डिबेंचर पढ़ के आए हैं? ऑफ कोर्स पढ़ के आए हैं। तो हम लोग तो जानते हैं कि सर शेयर
प्रीमियम पे इश्यू हो सकता है, डिबेंचर प्रीमियम पे इश्यू हो सकता है और डिस्काउंट पे भी इश्यू हो सकता है। तो जब हम लोग शेयर बेचेंगे तो शेयर अगर हम प्रीमियम पे बेचे होंगे, मान लो हम एक शेयर बेचे 100 रुपया का 110 रुपया में, तो मेरे पास जो पैसा आएगा वो तो 110 रुपया आएगा। तो वही बात लिखे हैं कि अगर शेयर इशू करते हैं या डिबेंचर इशू करते हैं तो प्रीमियम और डिस्काउंट को लेने के बाद कीजिएगा। अगर हम लोग शेयर और डिबेंचर प्रीमियम पे बेचे होंगे तो शेयर में प्रीमियम का पैसा जोड़ के लिखेंगे, और अगर डिस्काउंट में बेचे होंगे तो डिस्काउंट होने से सस्ता हो गया होगा तो डिस्काउंट घटाने के बाद लिखे होंगे, इसीलिए यहां लिख दिए इश्यू ऑफ शेयर और डिबेंचर इंक्लूडिंग प्रीमियम और डिस्काउंट। इश्यू करेंगे तो पैसा आएगा, इश्यू का मतलब क्या है, बढ़ रहा है, पहला साल में जितना अमाउंट है उससे अधिक अमाउंट हो गया है। और ध्यान में क्या रखना है कि सर कैश ट्रांजेक्शन होना चाहिए, मतलब शेयर और डिबेंचर हम बेचे होंगे तो हमको क्या मिला होगा, पैसा कैश। ऐसा ना हो शेयर और डिबेंचर बेच के हमको मशीन मिला तब यहां थोड़ी आएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है, कैश के अलावा कोई ट्रांजेक्शन होगा तो वो रिकॉर्ड नहीं करेगा। इंक्लूडिंग प्रीमियम या डिस्काउंट, अगर प्रीमियम पे बेचे होंगे तो प्रीमियम जुड़ जाएगा क्योंकि प्रीमियम पे बेचने से चीजें महंगा बिकती हैं, और डिस्काउंट में बेचे होंगे तो सर डिस्काउंट का अमाउंट घटा लीजिएगा क्योंकि डिस्काउंट होने से सस्ता बिकता है चीज। एक बात और बताओ, सर इशू किए हैं तो रिडम्पशन भी होगा? हम बोले बिल्कुल। रिडम्पशन का मतलब क्या, पैसा वापस कर रहे हैं, तो ये तो माइनस में लिखा जाएगा। हम बोले बिल्कुल। रिडम्पशन ऑफ शेयर ऑब्लिक डिबेंचर, ये किसमें लिखेंगे, माइनस में, इंक्लूडिंग क्या, रिडम्पशन भी प्रीमियम या डिस्काउंट पे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो प्रीमियम पे होगा तो प्लस कर लेंगे, डिस्काउंट पे होगा तो पैसा माइनस कर लेंगे जितना डिस्काउंट होगा। इसके अलावा इंक्रीज इन लोन या बैंक ओवरड्राफ्ट, ईयर वन से ईयर टू में अगर मेरा लोन इंक्रीज कर रहा है या ओवरड्राफ्ट इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब होता है हम लोग उधारी ले रहे हैं तो पैसा आएगा, प्लस लायबिलिटी बढ़ने से पैसा आया। और वही अगर डिक्रीज हो रहा हो तो सर माइनस में लिखेंगे। अगर आपका लोन का अमाउंट या बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट डिक्रीज हो रहा है तो माइनस। इसके अलावा यहां क्या आता है, इंटरेस्ट पेड, और क्या आता है, डिविडेंड पेड, और क्या आता है, प्रपोज डिविडेंड ऑफ ईयर वन, और क्या आता है, सॉरी माइनस यहां क्यों लिख रहे हैं, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, प्रपोज डिविडेंड ऑफ ईयर वन, और क्या आता है, अंडरराइटिंग कमीशन। अंडरराइटिंग कमीशन क्या होता है, अंडरराइटिंग कमीशन मेनली जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब हम शेयर पढ़ाए थे हम बताए भी थे कि जब कोई कंपनी अपना शेयर पब्लिक को इशू करती है तो सेबी का रूल है कि जितना वो शेयर मार्केट में ऑफर कर रही है उसका 90% शेयर बिक जाना चाहिए। तो नई नई कंपनी को इस बात का डर होता है कि पता नहीं मेरा 90% शेयर बिकेगा या नहीं बिकेगा, क्योंकि अगर 90% से कम बिका तो फिर सेबी के रूल के अकॉर्डिंग कंपनी अपना शेयर पब्लिक को नहीं बेच सकती है। तो इस चीज से बचने के लिए नई नई कंपनी क्या करते हैं, कुछ लोग अपॉइंट करते हैं जिसका नाम होता है अंडररराइटर। एक्चुअली वो गारंटी देते हैं कि अगर तुम्हारा शेयर नहीं बिकेगा तो बाकी बचा हुआ शेयर हम खरीद लेंगे। तो इस गारंटी के बदले कंपनी उनको क्या देती है, कमीशन देती है जिसका नाम होता है अंडररराइटिंग कमीशन। ये मेनली फाइनेंस का चीज है, आप अपना शेयर बेचने के लिए पैसा उठाना फाइनेंस करा रहे हैं अपने आप को,
उसके लिए कुछ खर्चा करना पड़ रहा है तो ये फाइनेंशियल एक्टिविटी के अंदर कवर किया गया। बात समझते हैं? तो ये हुआ अंडरराइटिंग कमीशन। इसके अलावा ड्राइंग, वो भी आएगा। इसके अलावा इंटरिम डिविडेंड, ये भी आएगा, सब माइनस। और फाइनली अगर प्लस में आया तो नाम होगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और अगर यही चीज माइनस में आया तो नाम होगा नेट कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो आप ध्यान से देखिएगा तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मेनली लाइबिलिटी साइड के सोर्स ऑफ फाइनेंस को कवर कर रहा है। शेयर, डिबेंचर, लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब क्या है सर? ये सब उधारी है जो कंपनी लेके रखी है। तो जो लाइबिलिटीज है, अगर वो लाइबिलिटीज बढ़ रहे हैं, शेयर डिबेंचर, इसका मतलब होता है आप उधारी और ले रहे हैं तो पैसा प्लस में। और अगर शेयर डिबेंचर लोन बैंक ओवरड्राफ्ट ईयर वन से ईयर टू में डिक्रीज दिख रहा है तो इसका मतलब होता है कि हम लाइबिलिटी को पे आउट कर रहे हैं, हम पेमेंट कर दे रहे हैं, इसलिए माइनस में लिखा गया है रिडम्पशन को या पेमेंट को। जब हम लोग उधार लेते हैं तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्जेस पे करते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट। तो हम बोल रहे सर क्योंकि फाइनेंस के ऊपर कुछ चार्जेज लग रहे हैं तो वो चार्जेज भी फाइनेंस के अंदर ही कवर होंगे। तो इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, प्रपोज डिविडेंड ऑफ ईयर वन, अंडरराइटिंग कमीशन, ड्रॉइंग, इंटरिम डिविडेंड पेड, ये सारे किसमें है? नेगेटिव में, क्योंकि पेमेंट करना पड़ेगा। जबकि इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ये कहां कवर करते थे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, क्योंकि मिल रहा है मतलब हम पैसा लगाए हैं तब हमको मिलता है, इसलिए वो इन्वेस्टिंग में कवर है। और फाइनेंस में जो उधार लेते हैं उस पर हमको देना पड़ता है, इसलिए वो फाइनेंसिंग के अंदर इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये सब कवर कराया गया। बात समझते हैं आप मेरा? तो ये हुआ फॉर्मेट। पहले आप इसको लिखिए, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे तो बहुत इजीली बनेगा। लिखिए यहां तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़े। 27 तक हम लोग लास्ट क्लास में सॉल्व कर लिए थे। लिखा है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज फ्रॉम दी फॉलोइंग पर्टिकुलर। दो साल दिया हुआ है, 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2017। तो जो 2017 का ईयर है वो है ईयर वन, और जो 2018 का ईयर है वो क्या है? ईयर टू। क्या क्या लिखा है? इक्विटी शेयर कैपिटल ईयर वन में 7 लाख, ईयर टू में 12 लाख। सर इंक्रीज कर रहा है मतलब इश्यू किए शेयर को। 8% प्रिफरेंस शेयर ईयर वन में जीरो, सॉरी ईयर वन में 1 लाख, ईयर टू में जीरो, इसका मतलब रिडम्पशन कर रहे हैं। 9% डिबेंचर ईयर वन में नहीं है, ईयर टू में है 2 लाख। 7% डिबेंचर ईयर वन में है 1 लाख, ईयर टू में है जीरो। तो सर दोनों साल का दिया हुआ है आपको, इंक्रीज डिक्रीज इश्यू या रिडम्पशन देखना होगा। इंक्रीज का मतलब क्या होता है? ईयर वन से ईयर टू में बढ़ रहा है, और जब डिक्रीज होगा तो ईयर वन से ईयर टू में घटेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं रिडम्पशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़िए। इक्विटी शेयर वेयर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 2%। एक बात क्या बोला कि जो ऊपर में इक्विटी शेयर आपको दिख रहा है उसमें जो इंक्रीज हुआ है, जो इशू हुआ है, वो 2% का प्रीमियम पे हुआ है। तो हम लोग अभी अभी लिखे थे कि इशू ऑफ डिबेंचर हो, इशू ऑफ शेयर और डिबेंचर जो होगा या रिडम्पशन भी होगा तो वो इंक्लूडिंग प्रीमियम और डिस्काउंट, प्रीमियम या डिस्काउंट जो भी होगा उसको कंसिडर करने के बाद उसका पैसा लिखा जाएगा। ये बात जब क्वेश्चन बनाएंगे तो और क्लैरिटी में समझ में आएगा। तो इक्विटी शेयर के बारे में कुछ बोला वो समझ गए। 8% प्रिफरेंस शेयर वे रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 2%। फिर बोल रहा है जो प्रिफरेंस शेयर है वो 2% के प्रीमियम पे रिडीम होगा, तो सर प्रीमियम को लेकर रिडम्पशन कीजिएगा। 9% डिबेंचर वेयर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 1%। जो 9% डिबेंचर है वो 1% के डिस्काउंट पे इशू किया गया है। एंड 7% डिबेंचर वेयर रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। और जो 7% डिबेंचर है वो 5% के प्रीमियम पे रिडीम किया गया है। पॉइंट नंबर 4, अंडरराइटिंग कमीशन ऑन इक्विटी शेयर 2.5% ऑन इशू प्राइस। बोल रहा है
जो इक्विटी शेयर आप जिस प्राइस पे इशू कर रहे हैं उसका 2.5% क्या देना पड़ेगा, अंडरराइटिंग कमीशन। क्या अंडरराइटिंग कमीशन फाइनेंसिंग का बात है? जी हां। इंटरेस्ट पेड ऑन 7% डिबेंचर 7,000, डिविडेंड पेड ऑन प्रिफरेंस शेयर 8,000। तो बता दिया है कि इंटरेस्ट कितना है 7,000 का, डिविडेंड कितने का पे किए हैं 8,000 का। चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहला आइटम है इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर ईयर वन में है 7 लाख और ईयर टू में दिख रहा है आपको 12 लाख। तो 7 लाख 12 लाख, तो सर ये तो एक साल से दूसरे साल में इंक्रीज कर रहा है, मतलब इश्यू हुआ है। तो क्या लिखेंगे? इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर। इंक्लूडिंग प्रीमियम। क्वेश्चन के नीचे में पढ़िए, पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि इक्विटी शेयर 2% के प्रीमियम पे इश्यू हुआ है। तो हम लोग बोलेंगे सर इश्यू कितने का है? 5 लाख। सर 5 लाख कैसे? अरे भैया पहला साल में 7 लाख है, अगले साल में 12 लाख है, तो कितना इंक्रीज कर रहा है? 5 ही लाख ना। तो शेयर कितना बेचे हैं ड्यूरिंग द ईयर? 5 लाख का। तो 5 लाख का बेचे हैं, इस पे कितना प्रीमियम? 2%। कितना पैसा लिखेंगे? 5,10,000। प्लस में या माइनस में? प्लस में, लाइबिलिटी बढ़ता है तो पैसा आता है। तो सर इशू किए तो पैसा आया 5,10,000। पहला बात खत्म। पॉइंट नंबर सेकेंड बात है प्रिफरेंस शेयर कैपिटल। पहले साल में है 1 लाख, दूसरे साल में है 0, तो इसका मतलब क्या? रिडम्शन हुआ। 1 लाख 0 कैसे हो गया? लाइबिलिटी को पे कर दिए। तो रिडम्शन ऑफ प्रिफरेंस शेयर, रिडम्शन ऑफ और पॉइंट नंबर टू बोला है प्रिफरेंस शेयर 2% के प्रीमियम पे रिडीम होगा, इंक्लूडिंग प्रीमियम। 1 लाख रुपया का प्रिफरेंस शेयर रिडीम हुआ है। 1 लाख कैसे? क्योंकि ईयर वन में पढ़ो 1 लाख है, ईयर टू में 0, तो 1 लाख का पेमेंट कर दिया, तभी तो 0 हो गया। कितना प्रीमियम देना है? 2% का। तो सर इसमें 2% जोड़ दीजिए। रिडम्शन प्लस में या माइनस में? माइनस में। रिडम्शन का मतलब ही क्या होता? सर पेमेंट कर रहे तो पैसा गया मेरे पास से, पैसा गया तो माइनस में। उसके बाद 9% डिबेंचर, पहला साल में है 0, दूसरा साल में है 2 लाख, तो सर इशू ऑफ 9% डिबेंचर। इसके बारे में क्या लिखा है? 9% डिबेंचर वेयर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 1%, तो सर इंक्लूडिंग डिस्काउंट। आओ, 2 लाख रुपया का इशू किए हैं डिबेंचर, 0 से 2 लाख हो गया, मतलब 2 लाख का इशू हुआ। डिस्काउंट प्लस या माइनस? ऑफ कोर्स माइनस 1% का। तो 2 लाख का 1% निकाल के माइनस कर लीजिए, 1,98,000 प्लस में। उसके बाद 7% डिबेंचर, ईयर वन में है 1 लाख, ईयर टू में है 0, तो सर लाइबिलिटी घट रहा है, रिडम्शन हुआ है। रिडम्शन ऑफ 7% डिबेंचर, रिडम्शन ऑफ 7% डिबेंचर। उसके बारे में क्या लिखा हुआ है? 7% डिबेंचर वे रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो 1 लाख रुपया प्रीमियम है तो प्लस 5%, कितना हो जाएगा? 1,05,000। प्लस में या माइनस में? माइनस में। उसके बाद चारों बात लिख लिए। पॉइंट नंबर 4, अंडरराइटिंग कमीशन। अंडर राइटिंग कमीशन ऑन इक्विटी शेयर कितना है? 2.5%। तो 2.5% निकालेंगे। क्वेश्चन में पढ़िए, लिखा है 2.5% ऑन इशू प्राइस। ये तो रहा इशू प्राइस 5,10,000।
तो सर 5,10,000 का 2.5 निकालिए, 12,750 किसमें लिखेंगे, माइनस में, कमीशन देना पड़ता है। उसके बाद है इंटरेस्ट पेड ऑन, सेवन परसेंट डिबेंचर कितने का है, 7,000, और डिविडेंड पेड ऑन प्रिफरेंस शेयर 8,000 और कुछ, और कुछ नहीं आएगा। सर एक सवाल, हम बोले क्या सर, आप हमेशा बोलते थे कि जिसमें परसेंटेज लगा रहता है उसका इंटरेस्ट या उसका डिविडेंड निकाला जाता है। बोले हाँ, तो सर प्रिफरेंस शेयर में लगा हुआ था, तो प्रिफरेंस शेयर का क्वेश्चन खुद ही बता दिया। हम बोले बिल्कुल, 7% डिबेंचर में लगा हुआ था तो क्वेश्चन बता दिया, तो लिख दिए, निकालना नहीं पड़ा। और 9% डिबेंचर के बारे में सर क्वेश्चन कुछ नहीं बताया, आप लिखे भी नहीं है। हम बोले 9% डिबेंचर का ईयर वन में कुछ नहीं है, ईयर टू में है 2,00,000, तो इंक्रीज जो आया है वो कितने का आया है, 2,00,000 का। लेकिन उस 2,00,000 का डेट बताया है कि वो इंक्रीज किस दिन आया है, नहीं। तो हम आपको लास्ट क्लास में लिखवाए भी थे कि अगर कुछ नहीं बताएगा कि इंक्रीज कब आया है, तो फिर इंटरेस्ट हम लोग हमेशा ईयर वन के बैलेंस पे देंगे। ईयर वन में तो बैलेंस ही नहीं है 9% डिबेंचर का, तो कैसे देते हम, ठीक बात। सर एक और बात, हम बोले क्या सर, मान लीजिए अगर इस क्वेश्चन में डिबेंचर का और प्रिफरेंस शेयर का डिविडेंड और इंटरेस्ट अलग से क्वेश्चन नहीं बताता, तब हम अपने तरफ से देते कि देते हैं, पक्का देते। प्रिफरेंस शेयर देखो शुरू में कितने का है, 8,00,000, और इन सेकेंड ईयर में कितने का है, 0। तो 1,00,000 का प्रिफरेंस शेयर घटा है और प्रिफरेंस शेयर में परसेंटेज लगा हुआ है, तो जो 1,00,000 घटा है वो कब घटा है, क्वेश्चन नहीं बताया है कि वो पेमेंट कब हुआ है। तो जब नहीं बताता है तो ईयर वन के बैलेंस पे देते हैं, वही वो दिया भी है, 8,000 किस पे निकाला है, 1,00,000 का 8%। तो फिर अगर क्वेश्चन नहीं बताता तो हम लोग जरूर निकालते, आप बात समझ रहे हैं। उसी तरह 7% डिबेंचर का क्वेश्चन दे दिया, नहीं देता तो हम लोग निकालते और यही आता, 7,000 ही आता। चलिए अब मेरे हिसाब से बात क्लियर है आपको, प्लस माइनस किया जाए और देखा जाए कि जो आंसर हम लोग का आता है वो मैच करता है या नहीं। 5,10,000 प्लस में माइनस 1,02,000 प्लस 1,98,000 माइनस 1,05,000 माइनस 12,750 माइनस 7 और 8, 15,000 4,73,250 पॉजिटिव आया है। आइए आंसर मैच कराएं बुक से, 4,72,250 मैच कर रहा है। क्या नाम लिखेंगे, नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 28 का सॉल्यूशन, लिखिए। इस क्वेश्चन में देखिएगा हम डेट लिखना भूल गए, डेट तो पता ही है, 31 मार्च 2018, इसी साल के लिए बना रहे हैं। तो अब नोट डाउन कीजिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ें। क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ इनक्लॉकटेक लिमिटेड एज एट 31 मार्च एंड द एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इस बार आपसे दो चीज पूछा है, एक बोला है कैश फ्लो ऑपरेटिंग का बताइए, एक बोला है कैश फ्लो फाइनेंसिंग का बताइए। ऑपरेटिंग सीख चुके हैं, उस पर तो 20 क्वेश्चन ही बना चुके हैं, फाइनेंसिंग आज हम लोग सीखे हैं, उस पर अभी एक क्वेश्चन बनाए हैं। बैलेंस शीट के अंदर दो साल है, 2017 2018, तो ईयर वन कौन है 17, ईयर टू कौन है 18। क्वेश्चन में ईयर उल्टा दिया हुआ है, पहले ईयर टू दिया है बाद में ईयर वन दिया है। क्या क्या दिया हुआ है, शेयर कैपिटल उस पर लिखा है नोट वन, फिर है रिजर्व एंड सरप्लस उस पर लिखा है नोट टू, लॉन्ग टर्म बोरोइंग उस पर लिखा है नोट नंबर थ्री, और करेंट लाइबिलिटीज दिया हुआ है। उसके बाद एसेट्स में लिखा है टेंजिएबल एसेट्स, टेंजिएबल एसेट्स मतलब फिक्स एसेट्स,
उसके बाद इनटेंजिबल एसेट्स उस पर लिखा है नोट नंबर 4, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट करेंट एसेट्स टोटल लिखा है। अब नोट को पढ़ रहे हैं, नोट नंबर 1 इक्विटी शेयर कैपिटल है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। शेयर कैपिटल कहां आता है सर? ये तो आता है फाइनेंसिंग का चीज है, रिजर्व एंड सरप्लस। एक है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ये रिजर्व है। रिजर्व कहां जाता है? नोट नंबर 1 में सर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जनरल रिजर्व नोट नंबर 1 में सर, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस नोट नंबर 1। तो सर ये तो पूरा नोट नंबर 1 के अंदर चला जाएगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग उसमें क्या है? 8% डिबेंचर, ईयर 1 में 200,000, ईयर 2 में 300,000। डिबेंचर पे परसेंटेज लगा है तो इंटरेस्ट का मामला बनेगा इसके ऊपर। उसके बाद इनटेंजिबल एसेट्स, उसमें लिखा है गुडविल, ईयर 1 में 20,000, ईयर 2 में 0। तो सर ये तो राइट ऑफ हो रहा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। अब आते हैं इंफॉर्मेशन में, लिखा है डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन फिक्स एसेट 60,000। तो फिक्स एसेट्स के ऊपर क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन लगेगा 60,000 का। तो सर हम लोगों को फिक्स एसेट्स का अकाउंट बना लेना चाहिए था। सर फिक्स एसेट्स कहां है? वही टेंजिबल एसेट्स। प्रिफरेंस शेयर वे रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 5% ऑन 31st मार्च 2018। लीजिए, बोल रहा है जो प्रिफरेंस शेयर है वो 5% के प्रीमियम पे रिडीम हुआ है। कब रिडीम हुआ है? 31st मार्च 2018 को। रिडम्पशन का डेट भी बता दिया। एडिशनल डिबेंचर वेयर इशूड ऑन 1st अक्टूबर 2017। बोल रहा है जो डिबेंचर इशू हुआ है वो कब हुआ है? 1 अक्टूबर को। तो सर इशू का डेट बता दिया है, इंटरेस्ट निकालने में काम आएगा। प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल फॉर द प्रीवियस ईयर इंडेड 31st मार्च 2017 वॉज पेड एट द रेट 8%। बोल रहा है जो प्रपोज डिविडेंड है वो 8% के हिसाब से पिछले साल पे हुआ था। तो हम लोग लिखवा के रखें, पिछले साल मतलब क्या? ईयर 1। तो हम लोग लिखवाए भी हैं कि प्रपोज डिविडेंड ऑफ ईयर 1, वही काम का है, बाकी सारा बेकार है। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है। चलिए शुरू करें, पहले क्या बनाइएगा? चलिए पहले ऑपरेटिंग ही बनाते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग बहुत समय से नहीं बनाए। तो ऑपरेटिंग का सबसे पहला चीज क्या लिखते थे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और इसके लिए क्या बनता था? नोट 1। फिर इसमें हम लोग ऐड करते थे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, हम बोले शिप। अब बात किया जाए, यहां बनाए नोट नंबर 1, थोड़ा सा और ऊपर ले लीजिए इसको। नोट 1 क्या क्या लिखेंगे सर? प्रॉफिट ईयर 2 में से ईयर 1 का पैसा माइनस। तो नोट नंबर 2 जो नीचे दिया हुआ है पढ़िए, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस ईयर 2 में है 100,000 माइनस, ईयर 1 में है माइनस में 100,000। तो सर माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये होगा 200,000। उसके बाद जनरल रिजर्व इंक्रीज कर रहा है तो ऐड कर देंगे, इंक्रीज इन जनरल रिजर्व कितना होगा? 35,000। उसके अलावा एक और रिजर्व है CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, वो भी इंक्रीज कर रहा है, कितने का? 100,000 का। और क्या आएगा सर? प्रोविजन फॉर टैक्स वो तो है नहीं सर। प्रपोज डिविडेंड ऑफ ईयर 1 हाँ वो है, ये कहां लिखा है सर? पॉइंट नंबर 4 पढ़ो, प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर फॉर प्रीवियस ईयर इंडेड 31st मार्च 2017, दो साल है 17-18। तो 17 क्या है? ईयर 1। बोल रहा है उस साल का प्रपोज डिविडेंड है, प्रपोज डिविडेंड कितना पैसा आएगा? तो 2017 का, 2017 का इक्विटी शेयर है 4.5 लाख, उसके ऊपर कितना? उसके ऊपर है 8%।
प्रपोज डिविडेंड ईयर वन का, ये कब का है 2017 का, तो सर 4,50,000 का निकालेंगे, 36,000 और क्या आएगा। हम बोले सर प्रिफरेंस शेयर पे भी प्रीमियम डिविडेंड, सॉरी वो तो प्रीमियम है ना, प्रिफरेंस शेयर पे भी तो डिविडेंड आएगा। हम बोले हां प्रिफरेंस शेयर का डिविडेंड, डिविडेंड का आइटम तो यहीं पे आएगा, कितना। हम बोले ध्यान से देखना और बताना हमको तुम, डिविडेंड शुरू में, सॉरी प्रिफरेंस शेयर शुरू में है 3,00,000, ये क्या है 2017 और ये है 2018, प्रिफरेंस शेयर यहां पे कितना है 2,00,000। सर ये कहां दिया हुआ है, नोट नंबर 1 पढ़ो, वहां इक्विटी शेयर के नीचे प्रिफरेंस शेयर का पैसा दिया है, ईयर 1 में 3,00,000, ईयर 2 में 2,00,000, 1,00,000 का क्या हो गया है रिडम्पशन। सर डेट नहीं बताया, हम बोले बताया है, पॉइंट नंबर 2 पढ़ो, लिखा है प्रिफरेंस शेयर वे रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 5% ऑन 31 मार्च 2018। बोल रहा है प्रिफरेंस शेयर जो रिडीम हुआ, ये जो 1,00,000 रुपया कमी आया है, वो कमी कब आया है, यहां पे आकर के, ये 1,00,000 रुपये जो घटा है वो यहां पे आके घटा है 18 में सबसे आखिरी दिन। तो हम बोल सकते हैं कि सर ये 3,00,000 रुपया पूरे साल तो 3,00,000 रुपया था, बस आखिरी दिन जब आया तो हम 1,00,000 का पेमेंट कर दिए, तो ये 3,00,000 रुपया पूरे साल भर अगर 3,00,000 रहा तो जो डिविडेंड देना होगा किस पे देना होगा, 3,00,000 पर। तो सर डिविडेंड का रेट है 5%, तो 3,00,000 पे 5% कितना आएगा 15,000। ओ और कुछ, हम बोले नहीं और कुछ तो नहीं दिख रहा है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वो तो अलग चीज है, वो नोट 1 में नहीं आएगा। तो ये निकला हम लोगों का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। चलिए बताइए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आएगा, 2,00,000 प्लस 1,35,000, 3,35,000 प्लस 15,000 प्लस 36,000, 3,86,000। पहला काम खत्म, नोट 1 कंप्लीट। तो सर इसको मिटा दीजिए। अब उसके बाद क्या बनाना चाहिए हम लोगों को, सर फिक्स एसेट्स का अकाउंट बनाइए, फिक्स एसेट्स का अकाउंट। चलिए यहां बना रहे हैं, बाद में जब ये बनाएंगे तो मिटा देंगे सारा। फिक्स एसेट्स का अकाउंट, टू बैलेंस बीडी और बाय बैलेंस सीडी, ये दोनों दिया हुआ है कितना कितना। हम बोले आइए पढ़े, देखिए लिखा है टेंजिएबल एसेट्स ईयर 1 में 6,20,000 और ईयर 2 में 8,60,000। इसके अलावा एडिशनल इंफॉर्मेशन में बताया है डेप्रिसिएशन कितने का, 60,000। क्या निकल जाएगा, परचेज टू कैश बैलेंसिंग फिगर कितने का, हम बोले जोड़ लो 9,20,000 3,00,000। तो सर डेप्रिसिएशन नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर, डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स एसेट्स कितने का है 60,000 और ये जो परचेज है सर ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर जाएगा, तो इन्वेस्टिंग का काम हम लोग को नहीं है। बोले ओके और बताओ सर गुडविल राइट ऑफ हुआ वो भी यहीं आएगा, एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल कितने का 20,000, पहले साल में है 20, अगले साल में 0, घट रहा है मतलब एमोर्टाइज हो रहा है। उसके बाद और कुछ, हम बोले देखने दीजिए। जी हां डिबेंचर का इंटरेस्ट, आइए डिबेंचर का इंटरेस्ट निकाले, ये पार्ट हो गया होगा इसको मिटा रहे, आप लिख लो
इसको मिटा रहे, ये काम खत्म। डिबेंचर का इंटरेस्ट हम लोग को अच्छा से समझ के निकालना है। तो सर तीसरा वर्किंग, ये था पहला, दूसरा, तीसरा। फिर हम एक टाइमलाइन बनाए, डिबेंचर 2017 में है और फिर 2018 में, आओ देखे कितना पैसा। ईयर वन में है 2 लाख और ईयर थ्री में है, और ईयर 2018 जो सेकेंड ईयर है उसमें है 3 लाख। तो 1 लाख रुपया बढ़ गया। सवाल उठता है ये 1 लाख रुपया कब बढ़ा? हम बोले पॉइंट नंबर 3 में पढ़ो, लिखा है एडिशनल डिबेंचर 1 अक्टूबर को इशू हुआ, 1 अक्टूबर 2017 को कितना रुपया का इशू हुआ है? 1 लाख। तो हम लोग क्या निकालना पड़ेगा? इंटरेस्ट। डिबेंचर के ऊपर परसेंटेज है 8, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर निकालिए। कैसे निकालेंगे? तो हम लोग सिखाए भी थे कि सर ये 2 लाख रुपया, 2 लाख कब तक था? जब तक अक्टूबर नहीं आया था। तो 2 लाख रुपया के ऊपर 8% मिलेगा 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर, 6 महीने के लिए। प्लस जैसे ही अक्टूबर आया 1 लाख रुपया से डिबेंचर बढ़ गया, 2 लाख में 1 लाख बढ़ा, कितना बन गया? 3 लाख। तीन लाख का 8% कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। तो आइए निकाले, ये कितना हो जाएगा? 8,000 प्लस ये कितना हो जाएगा? 12,000। तो सब मिला के इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 20,000 कहां जाएगा? एड में जाएगा सर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। कितने का? 20,000। ये भी हो गया। और बताओ सर, इसके अलावा प्रिफरेंस शेयर को प्रीमियम पे रिडीम करेंगे, 5% के प्रीमियम पे। हम बोले हाँ, तो कितना जाएगा? हम बोले सर प्रीमियम पे रिडीम करेंगे, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर, प्रिफरेंस शेयर कितने का रिडीम होगा? प्रिफरेंस शेयर रिडीम होगा 1 लाख का, उस पर कितना प्रीमियम है? 5% का। तो 1 लाख का 5% कितना आएगा? 5,000। ये कौन सा आइटम है? नॉन ऑपरेटिंग। प्रीमियम देना कोई ऑपरेशन का काम थोड़ी है, बिजनेस का काम थोड़ी है, इसीलिए हम लोग पीएल से हटा दिए। याद है ना कि सर जोड़ नहीं रहे, सब कुछ एक्सक्लूड कर रहे हैं हम लोग, तो ये भी एक्सक्लूड हो गया। और बताओ और क्या आएगा? बस और कुछ तो है नहीं जो आएगा। तो चलिए जोड़ के बाहर कीजिए, 1,05,000। नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग इनकम कुछ नहीं है, तो इसका नाम देंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, आओ जोड़े, 4,91,000। अब इसमें ऐड करो, क्या ऐड होगा? इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी एंड डिक्रीज इन करेंट एसेट, और लेस होगा डिक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी एंड इंक्रीज इन करेंट एसेट्स। चलो देखा जाए, करेंट लाइबिलिटी ईयर वन में है 1,10,000, ईयर टू में है 70,000, सब घट गया। कितने से घट गया? 40,000। नेक्स्ट आगे पढ़ो सर, करेंट एसेट्स ईयर वन में है 3,40,000, ईयर टू में है 1,20,000, 80,000 से बढ़ गया। तो माइनस में निकल गया 1,20,000, प्लस माइनस 3,71,000 पॉजिटिव। क्या नाम लिखेंगे? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, माइनस करते हैं हम लोग, लेस इनकम टैक्स पेड
क्या कोई इनकम टैक्स पेड है? जी नहीं। तो आंसर है 371,000। किस नाम से लिखेंगे? नेट कैश फ्लो। फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 371,000। एक काम खत्म, लिखिए। चलिए अगले पार्ट पे चले। और क्या मैंने बोला है? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी किससे डील करता है? सर, शेयर, डिबेंचर, लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट और इनपे लगने वाला इंटरेस्ट, डिविडेंड, इन सब के ऊपर। तो चलिए सबसे पहला इक्विटी शेयर कैपिटल 4.5 लाख से 5 लाख हो गया। तो इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर इंक्रीज कर रहा है, मतलब हम बेचे हैं। इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, क्या कोई शेयर को इशू करने पे, इक्विटी शेयर को इशू करने पे कोई प्रीमियम या डिस्काउंट? कुछ नहीं है सर। तो डायरेक्ट 50,000 जितना से इशू हुआ। फिर है प्रिफरेंस शेयर, उसका रिडम्पशन हुआ है प्रीमियम पे, तो रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर, क्योंकि प्रिफरेंस शेयर घट रहा है तो रिडम्पशन हुआ है। इंक्लूडिंग प्रीमियम, एक लाख का रिडम्पशन और प्रीमियम कितना देना है? 5%। तो 1,05,000 ये भी हो गया। उसके बाद डिबेंचर, तो इशू कर रहे हैं हम लोग डिबेंचर को, तो आइए लिखें इशू ऑफ डिबेंचर क्या कोई प्रीमियम डिस्काउंट? जी नहीं, सीधा सीधा 1,00,000 का इशू। और कोई लोन वन? लोन वन तो नहीं है। अब क्या आएगा? डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड ऑफ ईयर वन। वो हम लोग निकाले हुए हैं नोट नंबर वन में, कितना? 36,000। उसके बाद प्रिफरेंस शेयर का डिविडेंड, या ऐसे लिखिए डिविडेंड ऑन प्रिफरेंस शेयर, डिविडेंड पेड ऑन प्रिफरेंस शेयर कितने का? 15,000। उसके बाद इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, ये भी हम लोग निकाले थे, कितना? 20,000। तो सर प्रिफरेंस शेयर पे डिविडेंड हो गया, डिबेंचर पे इंटरेस्ट हो गया, इक्विटी शेयर के ऊपर डिविडेंड हो गया, और कुछ नहीं? और कुछ तो नहीं है। चलिए प्लस माइनस किया जाए और देखा जाए कितना आता है। प्लस में है 50,000, माइनस में 1,05,000, प्लस में 1,00,000, माइनस में 36,000, माइनस में 15,000, माइनस में 20,000, 26,000 नेगेटिव आया। क्या लिखेंगे? नेट कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो ये हुआ हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 29 का सोल्यूशन। लिखिए आइए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़े। लिखा है सोनी लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्या बनाने बोला है? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। 2 साल दिया हुआ है, 31st मार्च 2018, 31st मार्च 2017। 17 ईयर वन है, 18 ईयर टू है। इक्विटी शेयर कैपिटल ईयर वन में है 10,00,000, ईयर टू में है 12,50,000। प्रिफरेंस शेयर ईयर वन में है ही नहीं, ईयर टू में है 2,00,000। और प्रिफरेंस शेयर पे क्या लगा हुआ है? 8%, मतलब डिविडेंड देना पड़ेगा। 10% डिबेंचर ईयर वन में है 3,00,000, ईयर टू में है 0, मतलब रिडम्पशन हो गया इसका। और इन्वेस्टमेंट इन शेयर ईयर वन में है 1,00,000, ईयर टू में है 1,50,000।
इन्वेस्टमेंट तो सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा, उसका फाइनेंसिंग से कोई मतलब नहीं है, वो ऐसे ही टाइम पास में दे दिया है। इन्फॉर्मेशन, ड्यूरिंग द ईयर 1718 सोनी लिमिटेड इशूड बोनस शेयर इन द रेशियो ऑफ 4:1 बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व। लो क्वेश्चन क्या बोला है, 1718 में कंपनी ने बोनस शेयर दिया है हर चार के बदले एक, मतलब अगर मेरे पास सोनी लिमिटेड का चार शेयर होगा तो वो हमको फ्री में एक शेयर दे देगी। तो सर वो हमको फ्री में शेयर देगी, तो मेरे पास चार शेयर होने से एक शेयर मिला तो मेरा शेयर कितना बन जाएगा, पांच। लेकिन जब कंपनी हमको फ्री में देगी तो हम है कंपनी, हम फ्री में शेयर देंगे तो क्या हमको पैसा मिलेगा उसके लिए? नहीं नहीं नहीं, हम फ्री में बांट रहे हैं, अपना प्रॉफिट कम करते जा रहे हैं, अपना रिजर्व जो है उससे हम फ्री में बांट दिए, तो मेरा शेयर तो बढ़ जाएगा लेकिन मेरे पास कोई पैसा नहीं आएगा। और अगर पैसा नहीं आएगा तो क्या वो कैश फ्लो में आएगा? जी नहीं। तो इसका मतलब हुआ सर कि बोनस शेयर फ्री में देते हैं। हम बोले हाँ, बोनस का मतलब ही क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में दे रही है। जब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर देगी तो कंपनी का लाइबिलिटी बढ़ जाएगा, क्योंकि कंपनी उसको शेयर दे देगी, भाई तुम लो, तुम और मालिक बन जाओ, तो कंपनी का शेयर तो बढ़ा क्योंकि शेयर वो इश्यू कर दी, लेकिन कंपनी को पैसा नहीं मिला उसके बदले। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो फ्री में दे रही है। तो कंपनी जब बोनस में देगी शेयर तो पैसा तो आएगा नहीं, और जब पैसा नहीं आएगा तो सर कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी नहीं आएगा, क्योंकि आप लिखवा के रखे हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने से मना करता है। ये बात क्या हम लिखवा भी दे, हालांकि हम ना भी लिखवाते तब भी आपको ये बात पकड़ लेते कि हाँ सर, सबसे पहले बोनस शेयर क्या है, बोनस शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट है। इज इशूड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी इशू करती है, तो इसका मतलब हुआ सर बोनस इशू इज नॉट शोन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। हम बोले पक्का, फ्री का चीज से पैसा ना आया ना पैसा गया तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्यों दिखाया जाएगा? तो दिखाया ही नहीं जाएगा। हम बोले ओके, चलिए अब आते हैं बात पे। तो पहला बात तो हो गया सर, आप लिखवा भी दिए। पॉइंट नंबर टू, 10% डिबेंचर वे रिडीम ऑन 1 जनवरी 2018 एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। बोल रहा है जो 10% डिबेंचर है वो 1 जनवरी 2018 को रिडीम किया गया 5% के प्रीमियम पर। प्रिफरेंस डिविडेंड है ₹8,000 का, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। सर ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का चीज है, इसका फाइनेंसिंग से कोई मतलब नहीं है। चलो शुरू किया जाए। सबसे पहले शेयर देख रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल पहला साल में है 10, अगले साल में है 12.5। तो सर इक्विटी शेयर इशू की है। हम बोले अच्छा, इशू ऑफ इक्विटी शेयर ₹2.5 लाख। हम बोले रुको भाई, बोनस का बात भी तो किया है, ध्यान दो। 2017 ये है 2018, यहां पे इक्विटी शेयर कितने का है, 10 लाख, और यहां पे कितने का है, क्वेश्चन में बोला है ड्यूरिंग दी 1718, मतलब इस बीच में बोनस दिया गया। कितना बोनस दिया गया, हर चार के बदले एक, 4:1। तो अगर हम यहां पे 10 लाख रुपए का शेयर लेके खड़े हैं तो हमको हर चार के बदले कितना मिलेगा, एक। तो हम बोले सर बोनस कैलकुलेट कीजिए, अगर मेरे पास 10 लाख रुपया का शेयर है तो कंपनी का प्रॉमिस है कि चार के बदले कितना देंगे, एक, तो हमको कितना बोनस मिला है, 2.5 लाख रुपया का। हम पूछ रहे हैं शुरू में 10 लाख रुपया का शेयर था, बोनस तो निकाल लिए, अगर मेरे पास 4 रुपया होता तो 1 रुपया का बोनस मिलता, मेरे पास तो 10 लाख का शेयर है तो
तो कितना बोनस मिला हमको, 2,50,000 रुपया का। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि 2,50,000 रुपया का जो बोनस मिला है, शुरू में 10,00,000 था, मेरे पास क्या है 10,00,000 का शेयर है, हमको कंपनी और 2,50,000 रुपया का शेयर दे दी, तो मेरा तो शेयर बढ़ गया होगा। तो 10,00,000 प्लस 2,50,000 इंड में कितना बन गया होगा, 12,50,000। तो जो डिफरेंस है 2,50,000 रुपया का, वो तो कंपनी फ्री में दी, तो कंपनी को तो 2,50,000 रुपया मिला ही नहीं। और जब मिला नहीं तो हम लिखवाए हैं बोनस शेयर, तो आएगा नहीं। तो सर इश्यू ऑफ शेयर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बोनस है, सारा का सारा बोनस है। सर मान लीजिए यहां 10,00,000 होता और यहां पे होता 15,00,000, हम बोले हाँ, तो सर 2,50,000 का बोनस निकलता, तो 10,00,000 2,50,000 बोनस तो 12,50,000, लेकिन यहां तो 15,00,000 है। तो उस केस में 10,00,000 प्लस 2,50,000 12,50,000 और यहां है 15,00,000, मतलब 2,50,000 जो एक्स्ट्रा है वो होता इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश 2,50,000। बोनस नहीं आएगा क्योंकि बोनस फ्री का है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि 10,00,000 शुरू में है, 2,50,000 का बोनस मिला, सब मिला के 12,50,000 और अंत में भी कितना है 12,50,000। तो जब 12,50,000 रुपया अंत में है और शुरू में 10,00,000 और 2,50,000 का बोनस मिला है, तो जो 2,50,000 का डिफरेंस है उसके लिए कंपनी कैश रिसीव कर ही नहीं रही, वो तो फ्री में दे रही है, इसीलिए नहीं आया। लेकिन सपोज करो यहां 10 होता और यहां 15 होता, तो इस 10,00,000 पे हम बोनस निकालते तो 2,50,000, 10,00,000 प्लस 2,50,000 कितना होता 12,50,000, क्लोजिंग है 15,00,000। तो हम बोलते सर 2,50,000 रुपया जो एक्स्ट्रा है वो है इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश, तो यहां पे कितना आता फिर 2,50,000। बात समझ गया आप मेरा, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, जब क्वेश्चन आएगा तो देखना पड़ता है कि क्या सारा का सारा बोनस है या कुछ कैश भी है। समझ गए बात आप मेरा। चलिए अगला आइटम की तरफ बढ़े, प्रिफरेंस शेयर। पहला साल में है 0, अगले साल में हो गया 2,00,000, तो सर इश्यू ऑफ प्रिफरेंस शेयर, इसके ऊपर भी कुछ बोला है जी? नहीं, इसके ऊपर तो कुछ नहीं बोला है। तो इश्यू ऑफ 8% प्रिफरेंस शेयर, कितने का? 2,00,000। आगे बढ़ा जाए, 10% डिबेंचर रिडीम हो रहा है, रिडम्पशन ऑफ 10% डिबेंचर, कितना रिडीम हो रहा है? 3,00,000। 3,00,000 ईयर वन में, फिर 0 हो गया, तो पूरा 3,00,000। हम बोले सर इसके ऊपर प्रीमियम है, पॉइंट नंबर 2 में पढ़िए, प्रीमियम पे रिडीम हुआ है, तो इंक्लूडिंग प्रीमियम, तीन लाख का रिडम्पशन, क्योंकि 3,00,000 से 0 हुआ तो पूरा 3,00,000 खत्म हो गया, इस पे कितना प्रीमियम देना है? 5%, 3,15,000। उसके बाद अगला इन्वेस्टमेंट, वो तो नहीं आएगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन, पॉइंट 1 डील हो चुका, पॉइंट नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। सर डिबेंचर तो रिडीम कर दिए तो इंटरेस्ट कैसा? हम बोले रिडम्पशन का डेट बताया है, इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर, आओ पैसा निकाले, ये वाला बात तो अब हो गया, ये आप समझ गए। ये कब का तारीख है? 31 मार्च। यहां पे डिबेंचर कितने का है? 3,00,000। और 31 मार्च 2018 यहां पे डिबेंचर कितने का है? नील, यहां है ही नहीं। और डिबेंचर पे कितना परसेंटेज लगा हुआ है? 10%। अगर क्वेश्चन रिडम्पशन का डेट नहीं बताता तब तो हम इस ओपनिंग पे दे देते, क्योंकि हम लिखवा के रखे हैं आपको। लेकिन मजा का बात क्या है, क्वेश्चन डेट बताया है, बोला है 10% डिबेंचर वे रिडीम ऑन 1 जनवरी 2018। यहां पे क्या हुआ है? रिडम्पशन। तो हम बोले सर ये 3,00,000 रुपया यहां से लेकर के यहां तक तो 3,00,000 था, जब 1 जनवरी आया तब रिडीम हुआ, कंपनी 31 मार्च 2017 से लेकर के 1 जनवरी 2018 तक अपने पास कंपनी उसका पैसा रखे रही,
तो 9 मंथ का क्या देना पड़ेगा इंटरेस्ट? क्योंकि सर 9 मंथ बन रहा है, बोले हाँ, तो 3 लाख रुपया का 10% कितने मंथ के लिए? 9 मंथ के लिए कितना आएगा? 22,500 इंटरेस्ट। बात समझ गए? उसके बाद प्रिफरेंस डिविडेंड 8,000, प्रिफरेंस डिविडेंड पेड 8,000। चलिए प्लस माइनस करके देखा जाए क्या हम लोग का बुक से आंसर मैच करता है या नहीं। सर डिविडेंड रिसीव वो इन्वेस्टिंग का पार्ट है, वो नहीं आएगा। 2 लाख माइनस 3,15,000 माइनस 22,500 माइनस 8,000 1,45,500 किसमें आया? नेगेटिव में। नाम नेट कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 30। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़े। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नंबर 1 कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और नंबर 2 कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो सर ये होगा हम लोग का सेकेंड और ये क्या होगा हम लोग का फर्स्ट। क्या क्या दिया हुआ है? 2 साल दिया हुआ है, 31 मार्च 2018 31 मार्च 2017। तो 17 क्या है? ईयर 1 और 18 क्या होगा? ईयर 2। प्लांट एंड मशीन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 8% डिबेंचर बैंक ओवरड्राफ्ट, ये 4 आइटम दिया हुआ है, इसका पैसा लिखा हुआ है। नीचे में इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द ईयर ए मशीन कॉस्टिंग 1,50,000 वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 44,000 डेप्रिसिएशन ऑन द प्लांट एंड मशीन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग टू ₹80,000। डेप्रिसिएशन इस साल में कितना लगेगा? 80,000 का ये बता दिया है और बोला है 1,50,000 एक मशीन का कॉस्ट था, उसको 44,000 के लॉस पे बेच दिए, तो लॉस का अमाउंट भी पता है। फिर सेकेंड पॉइंट, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 28,000 डिबेंचर वेयर रिडीम ऑन 1 अक्टूबर 2017 एट अ प्रीमियम ऑफ 4%। ये इंफॉर्मेशन है। पहले क्या बनाएंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या आता है सर? फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट। तो फिक्स एसेट्स के नाम पे प्लांट एंड मशीन दिया हुआ है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, तो क्या हम लोग को 2 अकाउंट बनाना पड़ेगा? बिल्कुल बनाना पड़ेगा। चलिए बनाया जाए। वर्किंग एक तो बनाना पड़ेगा प्लांट एंड मशीन अकाउंट, और दूसरा क्या बनाना होगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। दोनों का CDBD दिया हुआ है, लिख लीजिए। आओ प्लांट का BD 8,50,000 और CD 10,30,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन BD और CD। कितने का? 2,20,000 और 2,68,000। इसके ऊपर है इंफॉर्मेशन नंबर 1। क्या लिखा है? बोला ड्यूरिंग द ईयर ए मशीन कॉस्टिंग 1,50,000 वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 44,000। बोल रहा है बेचने में लॉस हुआ है, तो लॉस तो यहां लिखेंगे ना भाई, लॉस ऑन सेल। कितने का लॉस हुआ है? 44। कितने में बेचे ये नहीं पता,
लेकिन लॉस पता है तो लॉस लिख दिए। फिर डेप्रिसिएशन बताया है पूरे साल का 80,000, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, डेप्रिसिएशन तो यहां पे आता था, हम बोले हां ये दे दिया है 80,000, तो हम लोगों के पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 32,000। क्या नाम लिखेंगे इसका? हम बोले सर 32,000 रुपया जो आया है इसका नाम होगा प्लांट एंड मशीन अकाउंट। ये क्या निकला है सर? ये निकला है जिस एसेट्स को बेचे हैं उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो यहां आ जाएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड 32,000। अब आपको ध्यान से यहां निकालना है बाय कैश सेल कि कितने में बेचे, एकदम आराम से जिस एसेट्स को बेचे हैं उसका कॉस्ट कितना बताया था 1,50,000। देखिए लिखा हुआ है 1,50,000, 1,50,000 का चीज वो था मेरे लिए जो हम खरीदे थे और उस चीज पे अभी तक हम कितना निकाल चुके हैं डेप्रिसिएशन 32, क्योंकि जिस एसेट्स को बेचे हैं उसका ही तो डेप्रिसिएशन लिखते हैं यहां पर, एक्यूमुलेटेड 32 माइनस 32, तो एक्चुअल में ये जो चीज है ये कितने का है 1,18,000 का और हम बेचे हैं लॉस में, तो सर लॉस को माइनस कर दीजिए, कितने का लॉस में बेचे हैं 44,000, ये निकला आपका सेल वैल्यू। तो 1,18,000 में 44 को माइनस कर दीजिए, 74,000 इज योर सेल वैल्यू। तो सर अब आप निकाल सकते हैं टू कैश बैलेंसिंग फिगर परचेज, चलो बताओ कितने का परचेज, तो ये हो जाएगा 11,80,000। उसमें से माइनस 3,30,000, ये निकला हम लोगों का परचेज और सेल। तो परचेज सेल तो सर इन्वेस्टिंग का चीज है, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीन 74,000, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीन 3,30,000, तो माइनस में कितना बचा 3,30,000 और 74,000, 2,56,000 नेगेटिव नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। देखिए क्या पहला का आंसर मैच कर रहा है, बिल्कुल। अब आते हैं हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या आएगा, डिबेंचर 8% डिबेंचर, ईयर वन में है 5,00,000, ईयर टू में है 3,50,000, तो सर ये तो रिडम्पशन हो रहा है क्योंकि घट रहा है डिबेंचर, तो 1,50,000 का रिडम्पशन है और नीचे लिखा हुआ है 4% के प्रीमियम पे, तो लिखेंगे रिडम्पशन ऑफ 8% डिबेंचर, इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम के साथ, तो 1,50,000 का रिडम्पशन हो रहा है उस पे कितना प्रीमियम 4%, तो 1,56,000, 1,56,000 और रिडम्पशन है तो किसमें लिखेंगे, नेगेटिव में लिखेंगे, माइनस में। उसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट 2,10,000 से 3,00,000 इंक्रीज कर रहा है, ये पहला आइटम। दूसरा आइटम इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब आप और लोन ले लिए बैंक से, ओडी कितने का 90,000, लायबिलिटी बढ़ रहा है, लोन ले रहे हैं तो पैसा आया तो पॉजिटिव लिखेंगे। उसके बाद है
इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओडी कितने का, 28,000 माइनस में लिखेंगे, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ये निकालना होगा, इंटरेस्ट ऑन 8% डिबेंचर मेरे हिसाब से ये वाला पार्ट आप कवर कर चुके हैं तो इसको मिटा दिया जा सकता है। आइए डिबेंचर पे ध्यान से, ये है 31 मार्च 2017 और ये है 31 मार्च 2018। शुरू में कितने का था, 5 लाख और एंड में कितना दिख रहा है, 3.5 लाख। तो जाहिर सा बात है सर, ड्यूरिंग द ईयर 1,50,000 का रिडम्पशन हुआ है, हम बोले हाँ, और ये रिडम्पशन कब हुआ है उसका डेट बताया है, बोला 1 अक्टूबर को, बीच में 1 अक्टूबर 2017 को 1,50,000 का क्या हो गया, रिडम्पशन। तो हम बोल रहे हैं सर इंटरेस्ट देना है 8% करके, तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, हम बोले देखो शुरू में 5 लाख था, ये 5 लाख कब तक 5 लाख था, जब तक 1 अक्टूबर नहीं आया, तो यहां से लेके यहां तक तो 6 महीने का इंटरेस्ट दोगे, बोलो हाँ देंगे। और फिर उसके बाद जैसे ही 1 अक्टूबर आया तो 5 लाख में से 1,50,000 क्या हो गया, रिडम्पशन, तो यहां पे कितना बचा, 3.5 लाख। ये 3.5 लाख यहां से लेके 3.5 लाख था, तो सर ये 6 महीना का इस पे इंटरेस्ट, तो 5 लाख पे 6 महीने का और 3.5 लाख पे 6 महीने का इंटरेस्ट निकाल लो। चलो इंटरेस्ट निकाल के दिखा देते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 5 लाख रुपया कितना परसेंट, 8%। सर ये 8% कहां से लाते हैं, डिबेंचर में चिपका हुआ है भैया 8%, वही दे रहे हैं, प्लस 3.5 लाख के ऊपर 8% कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। चलो ये निकला 20,000 प्लस इस पे निकालो ये कितना आएगा, 14,000 34,000। चलिए प्लस माइनस करें, 1,56,000 90,000 28,000 34,000 1,28,000 माइनस में नाम, नेट कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये निकला हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 31 का सोल्यूशन। तो यहां तक हम लोग का खत्म हो गया सारा बात, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग। अब हम लोग को बोला जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। मतलब अब हम लोग क्योंकि तीनों बात सीख गए हैं तो अब हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकेंगे, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इन तीनों का सम टोटल। कि सर ये तीनों जब आप बना लीजिएगा तो इन तीनों में जो फाइनल रिजल्ट आता है उसको जोड़ने से क्या निकलता है हम लोग का, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये हुआ हम लोग का आज का बात कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी सीख गए। एक दो क्वेश्चन और है जो प्रोविजन फॉर टैक्स वाले इश्यू से रिलेटेड, उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं फिर हम लोग क्लास छोड़ देंगे आज का। लिखिए पहले यहां तक, आइए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़े। लिखा है प्रिपेयर प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अकाउंट फॉर फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या बनाने बोला है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अकाउंट। क्या आपको हम प्रोविजन फॉर टैक्स सिखाए हैं, बिल्कुल सिखाए, वही बनाना है। 2 साल दिया हुआ है, 2016 में है 2,20,000, 2017 में है 1,90,000। ये क्या है, बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी। इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग द ईयर इनकम टैक्स पेड 2,30,000, लीजिए इनकम टैक्स पेड बता दिया तो प्रोविजन बैलेंसिंग फिगर से निकल जाएगा।
तो क्या बनाना है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स का अकाउंट। आइए बनाएं। पर्टिकुलर रुपीज क्या है लाइबिलिटी, तो सर लाइबिलिटी क्रेडिट से स्टार्ट होगा, बैलेंस बीडी और टू बैलेंस सीडी। बीडी कितने का है, 2,20,000 और सीडी 1,90,000। इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है टैक्स पेड, कहां आता है डेबिट में, टू कैश। ये क्या है टैक्स पेड, कितना पे किए हैं, 2,30,000। तो बैलेंसिंग फिगर से क्या निकल जाएगा, बाय पीएल प्रोविजन, चलिए जोड़ा जाए 4,20,000। कितना आएगा, 2,00,000। ये कैसे निकला है, बैलेंसिंग फिगर से। क्वेश्चन नंबर 36 खत्म। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 लिखा है, प्रिपेयर प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अकाउंट फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। फिर से क्या बनाना है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। दो साल दिया हुआ है 2016-2017। 2016 में प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स है 1,50,000, 17 में है 1,34,000, मतलब बीडी और सीडी फिर बता दिया। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 1,70,000। इस बार क्वेश्चन में क्या दे दिया है, प्रोविजन, तो जाहिर सा बात है बैलेंसिंग फिगर से क्या निकलेगा, टैक्स पे। आइए बनाएं क्वेश्चन का नंबर 37, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अकाउंट। पर्टिकुलर बीडी और सीडी बैलेंस शीट में दिया हुआ, आइए देखें। बीडी है 1,50,000 और सीडी है 1,34,000। उसके बाद प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, सर ये तो बाय पीएल, ये सब लोग क्लास कम फर्स्ट डे क्लास में सीखे थे। ये क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स, जो कितने का है, 1,70,000। जोड़िए बैलेंसिंग फिगर से क्या निकल जाएगा, टू कैश। ये क्या है, टैक्स पेड, जोड़े 3,20,000। उसमें से माइनस करेंगे 1,34,000। बचा 1,86,000। तो ये हुआ हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 36 और 37 का सॉल्यूशन। लिखिए आइए, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो वो हम लोग का क्या होगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो पूरा क्वेश्चन होगा वो बनाने का बात, क्योंकि हम लोग अब इंडिविजुअली ऑपरेटिंग सीख लिए, इन्वेस्टिंग सीख लिए और आज फाइनेंसिंग भी सीख लिए। नेक्स्ट क्लास से जो बड़ा वाला क्वेश्चन होगा जिसमें हम लोग को तीनों बनाना होगा, जो एक पन्ना से ज्यादा में बनता होगा वो वाला क्वेश्चन आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू वीडियो के साथ। अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक दे दें,
बाय बाय, थैंक यू।